वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि देश में अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को बुधवार को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। वही अब शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार ये बिल संसद में लेकर आएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बता दें, भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव भी कराए जाए। इसके साथ ही स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव कराने पर जोर देते रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में रुकावटें आती हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की थी कि वो इसे लेकर आगे बढ़े। आजादी के बाद साल 1950 में देश गणतंत्र हुआ, तो साल 1951 से 1967 के बीच के चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे। साल 1952, 57, 62 और 1967 में एक साथ ही चुनाव कराए गए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसकी वजह से अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। लेकिन एक बात ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से पास कराना होगा। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। भारत में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है। एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की जरूरत पड़ेगी, इनको पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत को पूरा करना भी एक बड़ा टास्क होगा। वैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 सितंबर 2023 को ही इस पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। 191 दिनों तक विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर से चर्चा के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाकर 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव के साथ ही इनके चुनाव भी कराए जा सकें।